नमस्कार दर्शकों, काली मंदिर में क्यों चढ़ाई जाती है बलि? जी हाँ दर्शकों, देश के कई देवी मंदिरों में, खासकर देवी काली के मंदिर में जानवरों की बलि देने का रिवाज है। क्यों स्थापित किया गया था ये रिवाज, क्या है इसका विज्ञान, काली को क्यों पसंद है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये देवी देवता हैं क्या। ये इकलौती ऐसी संस्कृति है जहां हमारे पास भगवान बनाने की तकनीक है, बाकी हर जगह लोग ये मानते हैं कि ईश्वर सृष्टि करता है और आप सृष्टि के एक अंग हैं। सिर्फ यही ऐसी संस्कृति है जहां हम जानते हैं कि हम ईश्वर बना सकते हैं। हमने अलग अलग मकसद के लिए अलग अलग तरह के देवी देवता बनाए। हमने उन्हें जीवित रखने और आगे बनाए रखने के लिए कुछ विशेष दुनिया उत्पन्न की और उनके साथ कुछ विधि विधानों को जोड़ा। बिना बलि के कुछ मंदिरों की ऊर्जा घट जाएगी। काली मंदिर में अगर बलि देना छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने तय कर लिया है कि आपको काली की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद उनकी शक्ति घट जाएगी और फिर वह नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें इसी तरह बनाया गया है। आप मूंगफली मुँह के अंदर डालते हैं, एक जीवन की बड़ी चढ़ती है तो दूसरा जीवन बेहतर होता है, क्योंकि जीवन के अंदर एक जीवन, उसके अंदर एक और जीवन होता है, क्योंकि यहाँ जो भी है बस जीवन है। उन्हें रोजाना नए जीवन की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह उसे खाना चाहती हैं, उसका वह उनका जीवन है। अगर आप उसे वापस ले लें तो ऐसा है मानो आपने अपनी बैटरी चार्ज नहीं की, वह धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। इस बात को समझते हुए उन्होंने ऐसा होने दिया। अगर कोई व्यक्ति वाकई बिना किसी रस्म, बिना किसी बलिदान के यूं ही चीज़ों को ऊर्जा प्रदान करने में समर्थ है तो वह किसी तरह काली को सक्रिय रख सकता है। लेकिन आप इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि विशेष क्षमताओं वाला कोई ज्ञानी पुरुष आकर ये सब करेगा। इसलिए ये परंपरा स्थापित हो गई जिसे कोई भी जारी रख सकता है। क्या बलि देने से भगवान खुश होते हैं? यहाँ तक कि आज भी अधिकांश काली मंदिरों में रोजाना बलि दी जाती है। क्या वह कुर्ता नहीं है? लोग कैसे भी वैसे भी मांस खा रहे हैं, किसी कसाई घर में उन्हें मारने के बजाय आप उस जीवन ऊर्जा को एक खास तरीके से इस्तेमाल करके अपने बनाए गए देवता को और शक्तिशाली बना रहे हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बलिदान क्या है। मैं चाहता हूँ कि आप ठीक नज़रिए से इसे देखें। मैं पशु बलि या मानव बलि की बात नहीं कर रहा हूँ। बलि कैसी भी हो, मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि उसके पीछे वजह क्या होती है। दुनिया के हर हिस्से में पशु और यहाँ तक कि इंसान तक की बलि देने का रिवाज कभी न कभी ज़रूर रहा है। दुनिया का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ बलि की प्रथा नहीं थी। एक जीवन को मारने का मकसद क्या है? क्या इससे कोई भगवान खुश होगा? इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। इसका मकसद है शरीर को नष्ट करके जीवन ऊर्जा को बाहर निकालना और इस ऊर्जा का एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल करना। बस एक थोड़ी असभ्य टेक्नोलॉजी थी, लेकिन फिर भी वह एक टेक्नोलॉजी थी। नारियल फोड़ना भी तो बलि है। आप नारियल तोड़ते हैं, वह भी एक बलि है, क्योंकि मंदिर में नारियल तोड़ने या नींबू काटने का उद्देश्य बस नई ऊर्जा को मुक्त करना और उसका लाभ उठाना है। किसी बकरे या मुर्गे किसी भी चीज़ को काटने का उद्देश्य भी यही है। लेकिन लोग सिर्फ गर्दन और नारियल तोड़ते हैं, उसका लाभ कैसे उठाना है ये उन्हें मालूम नहीं है। ये तकनीक काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है। बहुत कम जगहों पर लोगों को इसकी जानकारी है। बाकी जगहों पर वे बस रस्म की तरह उसे करते हैं और सोचते हैं कि इससे देवी देवता खुश होंगे। वैसे भी नारियल या मुर्गा, जिस भी चीज़ की आप बलि देने वाले हैं, आपको ही खाना है। कोई देवी देवता उसे खाने नहीं आएंगे। अलग अलग तरह की बलि देने की प्रथाएं इस बलि ने बहुत से रूप अपना लिए हैं। इसने कई सूक्ष्म रूप भी लिए हैं। कुछ अतिवादी उदाहरणों में लोगों ने अपने बच्चों तक की बलि दे दी। तांत्रिक जीवन शैली में लोगों ने खुद की भी बलि दे दी। ऐसे मंदिर भी रहे जहां पशु बलि या मानव बलि की जगह किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से रजत की रिपोर्ट।